तो आ गए आप, अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं और आपका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है और आपका यूरिन अभी आ रहा है, बंद नहीं हुआ है, और तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा, क्योंकि इससे आप अपना क्रिएटिनिन तेजी से कम कर लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आजमाए हुए तरीके हैं जो भी मैं बताऊंगा आपको, तो पूरे वीडियो पे रहें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यह आपकी जिंदगी का या आपकी फैमिली में जिसकी भी किडनी खराब हुई है, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है, उसकी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि किडनी खराब होने पे मौत पक्की होती है अगर सही से इलाज ना किया जाए और अगर आप गलतियां करते रहेंगे तो। जैसे ही किडनी पेशेंट का क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ना शुरू होता है, सबसे पहले उसको अपने पेशाब को बंद नहीं होने देना है। अगर पेशाब बंद हो गया तो क्रिएटिनिन तो बाद में आपकी जान लेगा, लेकिन जो आपके शरीर में जो आप पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके शरीर के अंदर सूजन आ जाएगी, पैरों पे सूजन, पेट पे सूजन, चेहरे पे सूजन, पूरी बॉडी आपकी फूल जाएगी, और इतना ज्यादा पानी आप अपने शरीर से नहीं निकलवा पाएंगे, आपको डायलिसिस करवाने ही पड़ेंगे, और डायलिसिस अगर आपने नहीं करवाए तो आपकी मौत निश्चित है। तो जितने भी किडनी पेशेंट जिनका क्रिएटिनिन बढ़ गया है और अभी बढ़ा है, उनके शरीर में पानी भरा हुआ है और वो ज्यादा लिक्विड ले रहे हैं, तो वो लिक्विड पे कंट्रोल करें, पानी, चाय, कॉफी, दूध, इन सब पे कंट्रोल करें, और एक टेबलेट देना जरूर याद रखें। ये टेबलेट अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, आप डायटोर जरूर लें, क्योंकि ये डायरोटिक टेबलेट होती है, ये यूरिन को बंद नहीं होने देती है, ये यूरिन को चालू रखती है, जिससे आपके शरीर में भरा हुआ जितना भी पानी होता है वो पेशाब से निकलता रहता है। अभी जाइएगा नहीं, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, और भी मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर, जो आपकी लाइफ को बचा के रखेंगे और आपका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा कम रखेंगे। वीडियो को एक लाइक भी कर दें, कोई फायदा नहीं होता पर मोटिवेशन बहुत मिलता है। क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ते ही दूसरी चीज आपको सबसे पहले क्या करनी है, पहली चीज मैंने बताई, अब दूसरी चीज के बारे में सुनिए। क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ते ही आपको दूसरी चीज ये करनी है कि आपको सोडियम बाइकार्बोनेट की टेबलेट सबसे पहले खानी है, क्योंकि किडनी खराब जैसे ही आपकी होगी, आपका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ेगा, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, इतनी तेज इन्फ्लामेशन होगा आपके शरीर में, जो आपका यूरिक एसिड है वो बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, आपके शरीर में एसिड का लेवल बढ़ेगा, तो जिससे आपके जो और भी ऑर्गन है वो डैमेज होंगे, साथ में आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड का निर्माण होगा, आपका ब्लड एसिडिक हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, कमजोरी होगी, थकान होगी, उल्टी होगी, भूख नहीं लगेगी और बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो ये टेबलेट आपको जरूर लेनी है, नोडोसिस टेबलेट अपने डॉक्टर से पूछ के जरूर लेनी है। एक टेबलेट सुबह आप ले सकते हैं, एक टेबलेट आप शाम को ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले लें, चाहे खाना खाने से पहले ले लें, जैसे आपको सही लगे आप वैसे ले सकते हैं, लेकिन नोडोसिस टेबलेट आपको जरूर लेनी है क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ते ही। तीसरा पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट ये रहने वाला है कि किडनी पेशेंट की जैसे क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ने लग जाता है, उसका हीमोग्लोबिन डाउन होने लग जाता है, बिल्कुल एचबी डाउन हो जाता है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, और उसको इतना ज्यादा कमजोरी हो रही होती है, वो उठ के बैठ भी नहीं पा रहा होता है, चल भी नहीं पा रहा होता है। अगर आपके घर में किसी को किडनी पेशेंट है तो आप जानते होंगे, अगर आप खुद हैं तो आप भी जानते होंगे, अगर ऐसी अवस्था है उसकी तो उसको बचाइए, उसको सेव करिए। उसको सेव करने का क्या तरीका है, देखिए, जैसे ही शरीर के अंदर आयरन डिफिशियंसी, कमजोरी, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हुआ है, वैसे ही आपको उसको आयरन की टेबलेट देना शुरू करना है। डॉक्टर खुद आपको आयरन की टेबलेट देंगे, अगर डॉक्टर नहीं देता है तो आप बाजार से लेकर के आयरन की टेबलेट उसको दे सकते हैं। आयरन की टेबलेट देने से क्या होगा, उसके शरीर में आयरन बढ़ेगा, साथ में आपको एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बिल्कुल नहीं बंद करना है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन के इंजेक्शन उसको दिन में 2 लेने हैं आपको, 4000 IU के। ये इंजेक्शन आपको कहीं भी मार्केट में 150 से 200 रुपए के आसपास मिल जाएंगे, सही जगह पता करेंगे तो ये बिल्कुल बंद ना करें, नहीं तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से और उसको एनीमिया होने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है, तो अपने पेशेंट को बचाइए। अब चौथी जो मैं बात बताऊंगा आपको, वो उससे भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। किडनी पेशेंट को बहुत ज्यादा उल्टी हो रही होती है, इसका कारण होता है कि उसके शरीर में गंदगी पड़ रही है, उसका जो मल है ना वो भी सूख रहा होता है, उसको लेटरिंग आ नहीं रही होती है, बिल्कुल सूख जाती है लेटरिंग, और बिल्कुल काली लेटरिंग उसको आती है, तो किडनी पेशेंट का मल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी अवस्था में किडनी पेशेंट का मल आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ये वही बताएगा जिसके साथ ये बीती है। सबसे पहले आपको उसको मल को साफ करवाना है, उसका पेट अच्छे से साफ करवाना है, अगर ज्यादा ही उसको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, डॉक्टर उसके एनस में एक एनस आता है 100 ml का, वो डालेगा तो उससे उसका जो मल है वो तेजी से साफ हो जाएगा। उसके बाद आप उसको कोई भी ऐसी टेबलेट दें, जैसे डल्कोफ्लेक्स टेबलेट है, डेली एक टेबलेट रात को दे दें कुछ दिनों के लिए, जिससे कि उसके शरीर में मल आसानी से बाहर आता रहे और उसके शरीर के अंदर गंदगी जमा ना हो पाए। पांचवा पॉइंट अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आपने जान लिया ना तो आपका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्रिएटिनिन यूरिया
बनने का कारण ही होता है हमारी बॉडी, हमारी बॉडी ही क्रिएटिनिन यूरिया बना रही होती है। और ये सबका बनता है, ऐसा नहीं है कि इसकी किडनी खराब है उसी का बन रहा है, बस उसका बॉडी से निकल नहीं पा रहा है। नॉर्मल व्यक्ति की किडनी निकाल दे रही है उसको बाहर। तो आपको क्या करना है, क्रिएटिनिन यूरिया कम से कम बनने देना है अपनी बॉडी में। कैसे, आपको अपनी किडनी में चलने वाला इन्फ्लेमेशन रोकना है सबसे पहले नोडोसिस टेबलेट लेने से। और दूसरा आपको क्या करना है कि कोई भी भारी काम नहीं करने, आपको ज़्यादा दौड़ना नहीं है, ज़्यादा भागना नहीं है, ज़्यादा वजन वाला काम नहीं करना है। आपको शुरू में बस थोड़ी देर लेटना है जब का क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो रहा है। उसके बाद आपको कोई भी प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइटें नहीं लेनी है, जैसे मटन नहीं लेना, आपको चिकन नहीं लेना, अंडे नहीं लेने, पनीर नहीं लेना, कोई भी दाल नहीं लेनी। आपको शुरुआत में सिर्फ उबले हुए आलू, उबली हुई सब्जियां का ही सेवन करना है जब तक आपको कोई सही दवाई ना मिल जाए।